देखिए यहाँ पे वेलकम जेनिक एजुकेशन। आज हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, अभी हम पहले स्टेटमेंट से समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसका डिटेल्ड वर्जन हम फुल कोर्स में देखेंगे। क्लियर है? इसके प्रूफ भी देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिट क्यूब है तो उसमें कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S6 किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर। कैसे? अगर मैं सारे सरफेस इंटीग्रल का अगर अलग अलग सरफेस इंटीग्रल निकालूं तो वो किसके बराबर बनेगा, वॉल्यूम के बराबर। क्लियर है इतना बात? वही काम मैंने यहां किया है कि अगर वेक्टर एफ इंटू एन कैप डीएस दिया रहेगा तो कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटू डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी, हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात? अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम सिखाते हैं आपको। तो ध्यान रखना है कि सरफेस इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, कि सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन निकालने से बेटर है हम क्या करें, वॉल्यूम निकाल दें। अगर वो बोलता है कि एक्स वाई सरफेस निकालना है तो फिर वो सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो पूछेगा कि सिर्फ वॉल्यूम के फॉर्म में बताओ। अगर वो ऐसा पूछता है कि सारे सरफेस दे दिए, कोई भी सरफेस के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये समझ लीजिए वो क्या चाह रहा है, वॉल्यूम चाह रहा है। अगर वो सरफेस इंटीग्रल बोलेगा तब एक अलग बात हो गई, तो वो सरफेस के बारे में चाह रहा है। तो जितने भी सारे सरफेस हैं, अगर मान लो हमारे पास 6 सरफेस हैं, उन सरफेस का अगर मैं सरफेस इंटीग्रल निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम के बराबर आएगा। ये इसका क्रक्स है। ये ध्यान रखिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि डबल इंटीग्रल वेक्टर एफ इंटू एन कैप डीएस किसके बराबर है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी के बराबर है। अब इस रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन में देखेंगे अभी कि किस तरह से हमको रूल को अप्लाई करना है। और यहां पे एन कैप क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा और आपको क्वेश्चन सिखाता हूं वो कैसे बनेंगे। तो अभी हम यहां पे क्वेश्चन देखेंगे कम से कम 5 से 6, तो आपको समझ में आएगा कि सारे सरफेस का सम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। क्लियर है इतना बात? तो वही हमने किया है कि हम क्या करें, डाइवर्जेंस ले ले किसी भी, क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस होता क्या है, मैंने क्या बताया है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना सरफेस इंटीग्रल ट्रेवल करेगा वो किसके बराबर कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर होगा। तो टोटल डाइवर्जेंस निकाल के हम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है इतना बात? क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस बताएंगे जिसके माध्यम से या जिसके मीडियम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट हम सीख जाएंगे क्योंकि वेरी सिंपल थ्योरम। यहाँ देखिए, कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस एज सराउंडिंग अ वॉल्यूम। कोई एक सरफेस होगा जो कि वॉल्यूम कंटेन कर रहा होगा। क्लियर है? आर वैक्टर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट इन साइड कैपिटल एस विद एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वैक्टर एस द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल 5 वैक्टर आर इंटू एन कैप डी एस। क्लियर है? तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पहले ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है वो, 5 वैक्टर आर इंटू एन कैप डी एस, यही तो पूछ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो इसको कैसे समझना है। ये डबल इंटीग्रल लिख लिया हमने, 5 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, वेक्टर आर ये फील्ड दी हुई है, इसको फील्ड मान लेते हैं, इनटू एन कैप डी एस, यही तो गिवेन है हमारे पास। चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ समझिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, क्या हमें वॉल्यूम के फॉर्म में चाहिए और उसमें कोई ऐसा सरफेस नहीं मांगा है कि स्पेशल पर्टिकुलर सरफेस हो। अगर पर्टिकुलर सरफेस होता तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर पाते। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, वो हम सब देखेंगे फुल कोर्स में। अभी हम पहले देखते हैं कि जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, देखिए यहाँ, डबल इंटीग्रल वैक्टर एफ एन कैप डी एस। क्लियर है बात? वेक्टर एफ इंटू एन कैप डी एस कन्वर्ट द ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी,
यही तो पूछ रहा है वो। इस डीवी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, इतना बात क्लियर है। तो आप देखिए यहां पे कैसे करेंगे हम इसको, 5 को हम बाहर ले लेते हैं, क्लियर है, यहां क्या बना, वेक्टर आर इंटू एन कैप डी एस, तो ये कन्वर्ट किस में चला जाएगा, वॉल्यूम में चला जाएगा। तो यहां आ गया 5 ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू डी वी, यही तो होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर मैंने करके दिखाया था आपको क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर किसके बराबर था, 3 के बराबर। आप डाइवर्जेंस वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहां पे इसको बेसिकली प्रूफ भी किया है कि कैसे है और किस तरह से आएगा, ये भी हमने डाइवर्जेंस में दिखा रखा है बेटे। तो यहां पे क्या आ गया, 5, तो ये किसके बराबर बना, ट्रिपल इंटीग्रल 3 इंटू डी वी, तो ये बाहर क्या निकल आया, 15, और ये क्या है, डी वी। ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा, ये v के बराबर है सारा काम, तो हमारा आंसर क्या निकल आया, 15 v। अब वो वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है, जो भी सरफेस दिया रहता, जो भी आपको वॉल्यूम के फॉर्म में दिया रहता। सपोज दैट अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हमको दिया रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, तो मैं क्या करता, स्फीयर का क्या ले लेता, वॉल्यूम ले लेता, क्लियर है। तो आंसर क्या मिल गया, 15 b। इस तरह के 3 और 4 क्वेश्चन हैं अराउंड, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 15 b, इसका मतलब ऑप्शन सी, क्लियर है किस तरह से दिमाग लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर निकालने को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या करो, कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो 15 v के अकॉर्डिंग निकल आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम और लेते हैं, थोड़ा टिपिकल लिया है, गेट की प्रॉब्लम है। द सरफेस इंटीग्रल दिस ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो यहां देखो स्फीयर दे दिया है हमको, क्लियर है इतना बात। फिर क्या दिया है, वेयर वेक्टर एफ इक्वल, वेक्टर एफ भी दे दिया है यहां, क्लियर है। और उसने ऐसा नहीं पूछा है कि मुझे एक्स वाई प्लेन चाहिए, वाई जेड चाहिए, जेड एक्स चाहिए, या अगर स्फीयर की बात कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है। इसका मतलब क्या चाहता है, वो वॉल्यूम चाहता है। तो देखते हैं वॉल्यूम कैसे मिलेगा हमें। तो वेक्टर एफ क्या है हमारे पास, गिवन है, यहां देखिए क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई आई कैप, क्लियर है, प्लस वाई प्लस जेड जे कैप, क्लियर है, और यहां क्या आया, सॉरी, एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस जेड के कैप, यही तो दिया हुआ है हमारे पास। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम क्वेश्चन को टारगेट करना है और किस तरह से सॉल्यूशन उसका निकालना है, ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो वेक्टर एफ हमको गिवन है, क्लियर है। अब हम इसका क्या करना है, हमको ये सरफेस भी गिवन है, वो क्या है हमारा, एस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको नोट करके लिख लेते हैं, बराबर 9, हमें ये पता करना है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, वेक्टर एफ इंटू एन कैप डी एस, तो इसमें पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमेशा सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन ही होगा इस फॉर्म में, तभी आप वॉल्यूम निकाल पाओगे। तो स्टोक्स और डाइवर्जेंस में तो मैंने तुम्हें बताया ही है कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से ध्यान देना है, तो इस तरह से ध्यान देना है, वेक्टर एफ इंटू एन कैप डी एस बराबर कन्वर्ट द डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी, यही होगा। तो इसका डाइवर्जेंस हम बेटे निकाल लेते हैं क्या आने वाला है, तो देखते हैं यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर क्या होता था, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, क्लियर, प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, इतना आ गया हमारे पास। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, डेल अपॉन डेल एक्स, एफ वन क्या है, एफ वन हमारे लिए क्या है, ये है, एफ टू क्या है, ये है, और एफ थ्री क्या है, ये है। इन तीनों की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, एफ वन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, एफ वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहां क्या है, एक्स प्लस जेड, इज क्लियर, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यहां क्या है, वाई प्लस जेड। इसका निकाल देते हैं डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, तो यहां पर देखो हमने कैलकुलेट किया डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां 1 आया, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आया, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा,
1 आएगा. तो डाइवर्जेंस हमें क्या मिल गया, 2. और डाइवर्जेंस हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. तो मैं यहां नोट करता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर आ गया हमारे लिए 2. इतना बात क्लियर है. अब इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास. यहां समझिए ध्यान से, हमने डाइवर्जेंस तो निकाल लिया, किसके बराबर आया, 2 के बराबर. तो अब यहां पे हम थ्योरम लगाते हैं. देखिए वेक्टर एफ एन कैप डी एस बराबर मैंने क्या बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ. तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना निकल के आया हमारे पास, 2 इंटू डीवी. हो गया सिंपल क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे. क्या मिला हमें, 2 इंटू डीवी. तो ये मैंने किसके बराबर बताया था आपको, ये वॉल्यूम के बराबर है. या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो यहां देख ले, डी एक्स डी वाई डी जेड. ये हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम होगा. और एरिया क्या बताया था मैंने, डी एक्स इंटू डी वाई. इन चीजों को ध्यान रखना है हमें. तो यहां पे मिला हमें 2 इंटू वी. अब वी किसका वॉल्यूम होगा, वो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा. क्लियर है. तो यहां कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्या हो गया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो यहां पे क्या किया हमने, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. और आर यहां से क्या मिलेगी हमें, 3. तो वो 3 हमें जो मिलेगा यहां पे हम रख देते हैं 3 का क्यूब. तो यहां से कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, 3 square 9, 36 पाई, 72 पाई. एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 8 पाई और यहां से 9, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 72 पाई. क्लियर है, कर लेंगे. तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें, सबसे पहले हम डाइवर्जेंस निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पे रख के हम क्या निकाल सकते हैं, 72. चलिए अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं. 2018 में आया हुआ प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है. द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल दिस, ये दे दिया इनने वैल्यू, ये सरफेस इंटीग्रल लिखा हुआ है. इसमें कोई भी प्लेन के बारे में नहीं पूछ रहा है वो, ना किसी भी ऑक्टेंट के बारे में पूछ रहा है, पूरे वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है. स्पेसिफाई किया है उसने, ये दिया हुआ है इसका. तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं इसको पहले, x² y² z² = 9. क्लियर है. फुल कोर्स में तो कम से कम इसको हम 6-7 घंटे पढ़ेंगे एटलीस्ट. ध्यान रखना इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूविंग भी करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के बहुत टफ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आप गेट में क्या कोई अनदर एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी काम आपका बन जाएगा. क्लियर है. अब यहाँ ध्यान से देखिए, 9xi-2yj-z(k)(n)(ds). क्लियर है, कैसे करेंगे आप देखिए. यहाँ पे ये यह हमको वेक्टर फील्ड गिवन है. यहाँ देखिए कैसे मैं इस इंटीग्रल को लिखता हूँ, 9xi-2yj. क्लियर, -z(k)(n)(ds). तो सबसे पहले तो मैं क्या, ये हमें दे दिए क्या, उसने फील्ड गिवन कर दिए. क्लियर है. तो हमारे पास वेक्टर एफ है, तो हमें क्या करना होता था, हमने बताया है आपको, फिर से बताता हूं मैं एक बार और, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी के बराबर होगा. क्लियर है इतना बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां क्या मिला, वेक्टर एफ बराबर 9xi-2yj-z(k)(. क्लियर है. इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं क्या होगा. तो देखिए यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, ∇f1/∇x, ∇f2/∇y and ∇f3/∇z. क्या है, ∇f1/∇x, ∇f2/∇y or ∇f3/∇z. तो यहां से निकालते हैं ∇/∇x, यहां क्या आ गया, 9x प्लस ∇/∇y-2y + ∇/∇z - z. यही तो होगा हमारे पास. तो अब इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा देखते हैं. यहाँ पे यहाँ मिल गया हमारे पास 9, यहाँ मिल गया हमारे पास 2 और यहाँ मिल गया हमारे पास 1. तो कितना आ गया, 6. ये मिल गया हमारे पास डाइवर्जेंस. तो हमने डाइवर्जेंस तो कैलकुलेट कर लिया. अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली इसको कन्वर्ट करके डीवी में बस ले जाना है और क्वेश्चन डन हो जाएगा. कैसे, देखिए अब यहाँ पे तो मैंने क्या किया, ट्रिपल इंटीग्रल देखो वहाँ पे, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके बराबर है, 6 के बराबर है. तो यहाँ क्या मिल गया हमें, 6 into dv मिल गया. क्लियर है. तो 6 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ क्या आ गया,
डीवी। तो मैंने अभी फिर से वही आ गई है कंडीशन, तो ये किसके बराबर है? वॉल्यूम के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर यही क्वेश्चन कर लोगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ क्या मिला, 6 × 4/3 πr³। वॉल्यूम वही अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, तो आर यहाँ पे कितना है, 3। तो यहाँ कर देते हैं 6 × 4/3 πx³। क्लियर है? तो यहाँ क्या मिला, 24π × 9। कैलकुलेट कर लेना, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना बात? तो बस कुछ नहीं करना है, डाइवर्जेंस निकालिए, उसका डीवी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अब आप लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है आप उनको अप्रोच करिए, आई एम श्योर डैम श्योर कि आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप प्रॉब्लम सेशन अगर हम कभी लेंगे, अगर प्लान बना तो हम कर लेंगे उसको। होपफुली सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे आपके जो भी है। क्लियर इतना बात? इसके अलावा अब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वो हम बाद में अपना शूट करेंगे। क्लियर इतना बात? थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, बाद में जो भी होना होगा वो आपको यूट्यूब चैनल पे जेनिक के पता चल जाएगा।